हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया केक्स एंड चॉकलेट्स। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने एक ये कैसल केक डाला था, इसका फुल वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने दो दो टू टायर केक था, तो इसके लिए मैंने एक वनीला स्पंज रेडी किया है और एक चॉकलेट स्पंज रेडी किया। तो ये हमारी क्रीम भी इधर रेडी हो रही है और उधर हमारा केक भी रेडी हो रहा है। और जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा केक, तो हम इसकी कटिंग करके इसकी लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चॉकलेट फ्लेवर का ये जो हमने 5 इंच के टिन में हमने इसको बनाया है, तो ये रेडी होने के बाद इसकी हमने कटिंग कर ली। हमारे पांच पीस में ये कट हुआ है, 5 लेयर में कट हुआ है। तो हमने ये फर्स्ट लेयर इसकी रख दी है, इसमें शुगर सिरप से सोक कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें क्रीम स्प्रेड करेंगे। क्रीम स्प्रेड करने के बाद हम इसमें गनाश डालेंगे। गनाश डालने के बाद हम इसमें कुछ चोको चिप्स डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसके वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, बहुत दिन हो गया था। तो एक्चुअली क्या, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, इसलिए मैं इसका वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज इसका वीडियो का फुल वीडियो मैं आज अपलोड कर देती हूँ। तो जैसे हमने अभी दिखाया कि पहला लेयर किया हमने, अब ये दूसरा लेयर डाला, ऐसे ही करके हमने सेम हमारी चारों पांचों लेयर रहेंगी। फ्रेंड्स, ये टॉल केक है, टू टायर केक है। तो इसकी जो अभी चॉकलेट फ्लेवर का है, तो ये हमारा जो सेम स्टेप चलेगा, पहले हमारा स्पंज जाएगा, फिर उसके बाद शुगर सिरप से सोक करेंगे, क्रीम लगाएंगे, और ये हमारा जो चॉकलेट चिप्स चोको चिप्स है उसको, ये सब हमारा करने के बाद जब रेडी हो जाएगा तो हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, इसको आधा से 1 घंटा आप हो सके तो इसको फ्रिज में इसको शिफ्ट करके रख दीजिए, बाद में इसकी आइसिंग कीजिए। जब ये सेट हो जाता है उसके बाद आइसिंग करने में बहुत अच्छा रहता है और इजीली ये शिफ्ट भी हो जा इजीली भी ये बन भी जाता है हमारा। तो ये हमारा क्रम कोटिंग हो रहा है। क्रम कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और आप चाहो तो उसमें कम क्रीम भी लगा सकते हो, जैसे आजकल लोग ज़्यादा क्रीम नहीं पसंद करते हैं वैसे। और अभी तो मैंने क्रम कोटिंग कर दिया, और इसके बाद ये टॉल केक है, तो इसमें फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें स्टिक इंसर्ट कीजिएगा, चाहे वो आप प्लास्टिक वाली हो, चाहे आप वुडन वाली हो, कोई भी हो, आप इसमें इंसर्ट जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये हमारा एक जगह टिकेगा नहीं। तो इसके लिए एक ये खास टिप्स ये है कि हमारा जब भी टॉल केक जो छोटा होता है या बड़ा हो, कैसा भी हो, उसको टिकाने के लिए हम उसको उसमें रख देंगे, फ्रिज स्टिक लगा देंगे। और दूसरी चीज़ जो है, इसको आप जितना देर हो सकता है उतना देर फ्रिज में एक बार सेट कर दीजिए, फिर इसके बाद इसकी आइसिंग कीजिए। तो ये हमारा क्रम कोटिंग रेडी हो गया है, अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्पंज, जो हमने वनीला स्पंज बनाया था, लेकिन ये मैंने इसमें अभी ये हमारा दूसरा फ्लेवर है, ये हमारा है, ये एक्चुअली ये हमारा रस मलाई केक है। तो इसके लिए मैंने वनीला स्पंज रेडी किया है, इसमें मैंने रस मलाई फ्लेवर का एसेंस डाला है, तो इसमें वनीला का कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, इसमें हमारा रस मलाई का। तो ये हमने स्पंज जो है वो रस मलाई फ्लेवर में रेडी किया है। इसके बाद अब रस मलाई को भी इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास क्रस भी रहेगा, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैंने अभी लगा दिया है, पर मुझे थोड़ा सा इसको बैक साइड में करना था, तो मैंने इसको पहले ध्यान नहीं दिया, बाद में मैंने कर दिया, हालांकि वो क्लीन हो जाएगा। ये मैंने रस मलाई से इसको, रस मलाई का जो जूस होता है उससे मैंने इसको सोक कर दिया है, इसको हम वाटर से नहीं सोक करेंगे। फिर हमने रस मलाई का क्रस होता है उसको लगा दिया, फिर हमने इसमें रस मलाई को ही क्रश करके लगा दिया है पूरा, और ये हमने लगा दिया क्रीम। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, पहले ही हमने शुगर जो हमारा रस मलाई का जूस था उसको हमने पहले डाल दिया, फिर इसके बाद हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी, क्रीम विप क्रीम लगाने के बाद हमने उसके बाद इस वाली लेयर में हमने रस मलाई लगाया। तो हम ऐसे ही अब बाकी की लेयर भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया है। किसी में आप वो भी कर सकते हो, किसी में आप पहले भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ये हमने रस मलाई के टुकड़े भी लगा दिए हैं, कुछ क्रश करके और कुछ इसी में रस मलाई का क्रश भी है।
और ये हमने ऊपर से क्रीम लगा दी है। कभी कभी फ्रेंड्स ये भी होता है कि ये चिपकता नहीं है तो ये हिलने भी लगता है, तो इसलिए क्रीम को अच्छे से उसी में ही फैला देंगे। तो ये हमारा हो गया है क्रम कोटिंग रेडी। अब इसको भी हमने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज से निकालने के बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। एक्चुअली ये गर्ल के लिए केक है, तो ये हमारा जो कैसल बनेगा वो पिंक कलर का बनेगा। तो हमने तो अभी अंदर रस मलाई का यूज किया था, तो उसी कलर की हमने क्रीम भी यूज कर ली। अब हमें बाहर कैसल बनाना है, तो कैसल के लिए हमने पिंक कलर का कलर चूज किया है। तो लाइट बेबी पिंक जो हमारा, हमने कम पिंक कलर डाला, जेल हमारा कलर था इसमें, और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको बेबी पिंक कलर दिया है, एकदम डार्क पिंक का कलर नहीं दिया है। तो ये हमारा ये हो रहा है टू टायर का जो लास्ट वाला पोर्शन, सेकेंड बेस वाला होता है, वो वाला रेडी हो रहा है। तो ये हमारी फाइनल आइसिंग हो रही है पिंक कलर की। तो इसको करने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो पूरा ऑल ओवर थीम था कैसल का था, तो इसको मैंने कुछ पर्पल कुछ पिंक ऐसा मिक्सअप किया है कि सब एक दूसरे में मर्ज हो जाए कलर, ऐसा अलग अलग कुछ ना दिखे। तो मैंने और इसमें ब्लू कलर भी ऐड किया था बीच बीच में बॉर्डर वगैरह के लिए, कि मतलब इसका जो थीम है सारा कुछ ऐसा मिक्सअप मैच हो जाए कि ये हमारा जो केक है बहुत सुंदर दिखने लगे। और ये मैंने डार्क कलर ज़्यादा यूज़ ना करके खाली ये दो बूंद का मैंने यूज़ किया है पर्पल कलर, ये मैंने बेस में ऊपर साइड में यूज़ किया है, जिसमें हमको जो सेकंड टायर है वो हमको रखना है। ये हमने उसकी फिनिशिंग भी करनी चालू कर दी। ये हमारा स्मॉल वाला जो अप साइड का है, ये हमने दोनों को सेट कर दिया। अब इसमें हम डॉल लगा देंगे अपने, जो हमारे पास टॉपर है और हमारी थीम है। तो कैसल के अलावा थोड़ा ये डॉल का भी थीम था, तो मैंने सबको धीरे धीरे करके ये पीछे रेनबो करके जो भी हमारे टॉपर हैं धीरे धीरे करके एक एक सेट करते जाएंगे। कहाँ क्या है एक बार आप देख लीजिए, वो टॉपर लगाने के पहले एक बार आप फ्रेंड्स जितना अच्छा सोच के उसको लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम फाइनल आइसिंग करने के बाद जगह जगह लगाएंगे तो उसमें गड्ढे हो जाएंगे, फिर हमको फिर वही सब करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि हम एक बार हम उसके जैसे रफली यूज़ करते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ही हम केक का भी एक तरीके से कहना चाहिए रफ डायग्राम बना के वो कर लेंगे। ये हमने बॉर्डर के लिए बिग वाला स्टार नोजल यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ब्लू कलर यूज़ किया है, तो इसमें इसका जो सुंदरता है वो कितनी अच्छी है, क्योंकि हमने रेनबो यूज़ किया उसमें भी ब्लू है, तो और जो हमारे क्लाउड वगैरह है वो भी है। तो हम ओवरऑल उसमें हर टाइप का कलर यूज़ कर रहे हैं जिससे वो ये बहुत सुंदर दिखने लगे। ये हमारे मल्टी कलर के छोटे सबसे छोटे वाले जो शुगर बॉल्स होते हैं, इनको हम जगह जगह स्प्रेड कर देंगे। और ये हमने कैसल के बाहर जो हमें यूज़ करना होता है, तो हम छोटे केक के अंदर हमने लेस लगा के ये इसको डेकोरेट किया है, और इसके बाद हम इसको किनारे हम क्रीम लगा के इसको भी सेट कर देंगे कैसल के किनारे किनारे, जो कैसल के सामने का पोर्शन होता है उसको बना देंगे। फिर इसके बाद जो हमारे टॉपर है, कुछ बटरफ्लाई कुछ फ्लावर है कुछ ग्रीन लीव्स वगैरह हैं, ये सारे कुछ हम धीरे धीरे ऐसे ही करके अपना टॉपर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी से ही ये कैसा दिखने लगा। अभी हमारा इसमें ये सेमी फाउंडेंट भी हमारा केक था, क्योंकि हमने इसमें जो गेट वगैरह बनाए थे कैसल के वो हमारे सेमी फाउंडेंट के थे, और ब्लू कलर के गेट ब्लू कलर का गेट बना के फ्रेंड्स मैंने इसको इसमें गोल्डन कलर कर दिया था। तो ये फ्रेंड्स देखिए मेरा बनाया ये केक बन गया ही हमारा केक, और इसमें मैंने कुछ हार्ट शेप के शुगर बॉल्स पिंक कलर के ऐड कर दिए थे, तो वो उससे इनकी जान ही बढ़ गई थी। फिर ये मैंने बर्थडे क्वीन का एक तो ये एक जो हमारा टैग है वो हमने लगा दिया, और बच्चे का नाम लिख दिया इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बनाया हुआ कितना अच्छा लगने लगा है। तो फ्रेंड्स आप इसमें बताइए कि आपको ये मेरा बनाया हुआ केक कैसा लगा। प्लीज़ 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 आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जितना आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा मैं और नेक्स्ट आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करके लाऊंगी। तो अभी इंजॉय कीजिए मेरे बनाए हुए इस कैसल केक को। इसका कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन सबको अच्छा था, और ये बच्चे के बर्थडे के टाइम में मैंने इसमें स्पेसर भी लगा दिया था। इसमें देखिए कितना सुंदर इसका डेकोरेशन भी था,
और ये केक बनने के बाद देखिए वहाँ से ये हमें वीडियो आया था, तो ये भी मैंने आपको शेयर किया है। देखिए कैसा लग रहा है, कितना सुंदर ये जो हमारा कैसल घूम रहा है, यही अट्रैक्शन था एक्चुअली उस दिन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक